नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नवरात्र वो पावन महीना जिसका हर किसी को इंतजार होता है। नवरात्र के 9 दिन सबसे शुभ माने जाते हैं। नवरात्र में लोग माँ की पूजा अर्चना कर उन्हें प्रसन्न करते हैं। वैसे तो साल में 4 नवरात्रि मनाई जाती है, पर शारदीय नवरात्र का एक अपना ही महत्व होता है। इस बार 26 सितंबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो इस पावन अवसर पर माँ देवी को कैसे प्रसन्न करें, उनकी कैसे पूजा अर्चना करें, इस पर हम आपको सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ आचार्य राम जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। देवी प्रपन्नार्त हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। पूरे चराचर जगत में आदिशक्ति की ही महिमा का गुणगान बखान किया गया है। आप सभी दर्शकों को नमस्कार, जय माता दी। और पूरे चराचर जगत में आदिशक्ति की ही महिमा का गुणगान बखान किया है। बिना शक्ति के ये सृष्टि की रचना संभव नहीं है, इसलिए हर एक शक्ति में, हर एक देवी में और हर एक स्त्री में उन्हीं का स्वरूप समाया हुआ है। उन शक्ति का हम सभी गुणगान करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सृष्टि की रचना का पहला दिन है, और ये शारदीय नवरात्र 4 बार वर्ष में नवरात्रे आते हैं माता जी के। 2 बार नवरात्र में माता जी के बड़े नवरात्र, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र, इनका विशेष महत्व बताया गया है। 2 गुप्त नवरात्र रहते हैं जिसमें लोगों को जानकारी कम रहती है। इसमें जब तब लोग अपनी सिद्धि के लिए अधिकतर लोग उसमें माता जी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र और चैत्र शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र पड़ते हैं, इनका विशेष महत्व बताया गया है। इन नवरात्रों में माता जी के दर्शन, पूजन और व्रत उपवास का विशेष महत्व बताया गया है। व्रत करने से हमारे शरीर में कई प्रकार से लाभ होता है, इसीलिए 2 बार, जब समय बदलने वाला रहता है, सभी ग्रहों का बदलाव होने वाला होता है, प्रकृति पर बदलाव होने वाला होता है, उस समय माता जी की पूजा उपासना, हर घर में मंगल कलश की स्थापना की जाती है। और इसी तरह शारदीय नवरात्र, जैसे अभी ठंडक आने वाली है, कई ग्रह बदलने वाले हैं, ऐसे में माता जी का आगमन हम सभी के लिए लाभकारी होगा। और जैसा कि अभी कई ग्रह सूर्य कन्या राशि पर प्रवेश कर रहे हैं और कई ग्रह उतार चढ़ाव में अपने अस्त हो रहे हैं, शुक्र जैसे ग्रह अस्त हो रहे हैं, इस प्रकार कई ग्रहों का उतार चढ़ाव होने वाला है, ऐसे में सभी के शरीर पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, पूरे सृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। और ये नवरात्र ऐसे समय पर आती हैं कि वो सभी के लिए कल्याणकारी हो, क्योंकि सभी व्रत उपवास करेंगे तो खाने पीने पर ध्यान देंगे, इसलिए ये शारदीय नवरात्र में विशेष लोगों को लाभ होता है और इनका व्रत पूजन हर एक मनुष्य को करना चाहिए। पंडित जी, शारदीय नवरात्र अभी शुरू होने में कुछ ही टाइम रह गया है, तो शारदीय नवरात्र का महत्व क्या है, हमारे दर्शकों को बताएं। महत्व शारदीय नवरात्र का कि उसमें व्रत उपवास करने से जो भी रोग बाधाएं शरीर पे आने वाली होंगी वो नहीं आएंगी, क्योंकि ये आज से नहीं, सृष्टि की रचना से ये माता जी की आराधना पूजा चली आई है, और ये सभी सृष्टि पर सभी के लिए ये शारदीय नवरात्र लाभकर है। जो भक्त माता जी के उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए कई प्रकार के रोग बाधाओं से बच जाते हैं, सभी की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं और कई प्रकार से उनको लाभ प्राप्त होता है। पंडित जी, नवरात्र एक विशेष पर्व है, तो इस बार नवरात्र के लिए कैसा योग बन रहा है? इस बार नवरात्र पे बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। 26 सितंबर से प्रारंभ होंगे और 26 सितंबर जो दिन सोमवार पड़ रहा है, सोमवार माता जी का ही दिन माना जाता है, सोम और शुक्र, इन दिन से अगर नवरात्र प्रारंभ होते हैं तो विशेष लाभकर होते हैं, क्योंकि देवी जी के दिन हैं और प्रातः काल से ही पूरे दिन का इस बार बहुत अच्छा इस बार मुहूर्त बन रहा है। योग भी, ब्रह्म योग और
अच्छे योग भी इस बार मिल रहे हैं, इससे ये नवरात्र कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि इस नवरात्र में सभी के प्रति सभी के लिए अच्छा होने वाला है। पंडित जी, नवरात्र पूजन का पूरा विधान क्या है? नवरात्र पूजन का पूरा विधान प्रारंभ से हम बताएंगे, क्योंकि हर बार टीवी चैनल के माध्यम से जी सभी को पूजा का विधि और किस प्रकार पूजा करना है इस पे हम आते हैं और बताते हैं सभी दर्शकों को। तो सबसे प्रथम जी, जो भक्त माता जी की आराधना करना चाहते हैं, जो भक्त माता जी के सेवक हैं, जो भक्त कुछ इच्छा कामना रखते हैं, जो अपने शरीर के प्रति अपने परिवार के प्रति अच्छा चाहते हैं, और जो भक्त उनके उपासक हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये नवरात्रे बहुत ही शुभ फल लेके आ रहे हैं। और करना क्या है कि प्रथम दिन से 25 तारीख को अमावस्या होगी, उसके बाद 26 तारीख को प्रातः काल से ही माता जी की सभी पूरे देश में पूरे विश्व में आगमन का संकेत हो जाएगा। और प्रथम दिन स्नान ध्यान करके सर्वप्रथम माता जी के लिए जहाँ पर आपको स्थापना करनी है, जहाँ पर माता जी को आपको बुलाना बैठाना है, उस स्थान पर अच्छे से साफ करें घर को, पहले ही दिन से एक दिन पहले ही कर लें साफ़ सुथरा, जो भी करना है एक दिन पहले कर लें। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके सबसे पहले जहाँ पर माता जी को बिठाना है वो आसन अच्छा सा बिछाएं और चौकी रखें, और उस चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, क्योंकि माता जी को लाल वस्त्र अति प्रिय है, लाल वस्त्र लाल पुष्प, तो पहले लाल चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, उस पर माता जी की प्रतिमा या फोटो, पाषाण की प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, इसलिए पाषाण की प्रतिमा ना हो फोटो में, तस्वीर में, या चांदी की, या जैसे भी जैसी आपकी कामना हो या जिस प्रकार आपके यहाँ व्यवस्था हो उस प्रकार माता की फ़ोटो भी लगा सकते हैं, जिससे नौ दुर्गा बनी हो वो अति उत्तम है, और नहीं तो सिंगल माँ दुर्गा में ही सभी रूप समाये हुए हैं, उनका फोटो चौकी पर स्थापित करें। और सर्वप्रथम एक घट रखें, क्योंकि घट का विशेष महत्व है, घट में ही इतने देवता हैं कि हम उनको अपने घर में ऐसे आवाहन करेंगे बुलाएंगे तो उनको कहाँ पे बिठाएंगे, लेकिन अगर कलश की स्थापना हम करते हैं तो हम सभी देवताओं का आवाहन उस कलश में ही कर लेते हैं, इसलिए सबसे अच्छा होगा एक ताम्र का कलश या पीतल का या किसी भी धातु का कलश, चांदी का भी कलश रखते हैं, या मिट्टी का ना हो तो मिट्टी का ले लें, एक सकोरा ले लें, और उस कलश में पहले थोड़ा गंगा जल रख डालें, फिर उसके बाद पूरा जल जो घर का जल हो शुद्ध जल वो उस पर भर दें, एक सिक्का उसमें डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, सर्व औषधि अगर व्यवस्था हो सर्व औषधि उसमें थोड़ा सा छोड़ दें, पंचरत्न की हर एक पूजा की दुकान पे उसका सामान मिलता है, पंचरत्न की पुड़िया वो उसमें छोड़ दें, एक सिक्का उसमें छोड़ दें, थोड़ी सी दुर्वा उसी में छोड़ दें, और पल्लव आम के पत्ते ना हो, पंच पल्लव की व्यवस्था अगर ना हो, पांच पीपल बरगद गुलर और तो फिर आम के ही पत्ते या अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, या ना हो तो पान के पत्ते, ये अच्छे से सुंदर जितना अच्छा सुंदर कलश हो, क्योंकि हम लोग जब आवाहन करते हैं देवताओं का तो ऐसी कामना भावना अंदर लाते हैं कि जितना अच्छे से अच्छा उनकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि भगवान आकाश गंगा से सीधे हमारे घर में उनका प्रवेश होता है, आगमन होता है, और जितने अधिक अच्छे से हम उनकी व्यवस्था उनके आगमन की तैयारी करेंगे, जैसे हमारे हिंदू धर्म में सनातन धर्म में अतिथि देवो भव सत्कार सम्मान करने की व्यवस्था परंपरा है, इसी तरह हम अपने घर को भी दरवाजे को भी अच्छे से साफ करेंगे माता जी का आगमन और सभी देवताओं का आगमन, क्योंकि नवरात्रे में सभी देवता जैसे पितृपक्ष में सभी पितृ छोड़े जाते हैं कि सभी अपने अपने संतान से अपने अपने परिवार से मिलें, इसी प्रकार नवरात्रे में सभी देवी देवता हर एक घर में आते हैं और जो उनकी जैसी व्यवस्था करते हैं उसी प्रकार वो उनके वर्ष भर उनके घर में फल देखते हैं रुकते हैं, तो जैसी व्यवस्था आपकी होगी अच्छे से स्वच्छ साफ सुथरा रखें घर को, और जिस स्थान पे कलश रखना है उस स्थान पे कलश में जल भर के पंच पल्लव लगा करके उन पे ऊपर पूर्ण पात्र रखेंगे, चावल भर करके कटोरी में या प्याली अगर मिट्टी की उसमें प्याली भर के रख दें, एक नारियल पानी वाला नारियल अति उत्तम है, अगर पानी वाला नारियल हो तो उसमें कलावा या चुनरी माता जी की
बांध करके कलश पे स्थापित करें और उसके बाद उस कलश में सभी देवताओं का ध्यान करें। मंत्रों के द्वारा लिखा, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तस् स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुचौत सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा साम वेदो हतारणा अंगय सहिता सर्वे कलशम तो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करिदा। सभी जितने भी देवता हैं, वसुंधरा पृथ्वी, ये पूरा ब्रह्मांड, कलश को हम लोग साधारण समझते हैं लेकिन कलश पूरे ब्रह्मांड का कारक है। इसीलिए ये जितने ग्रह तारा नक्षत्र मंडल सब दिखते हैं, यहाँ तक पृथ्वी भी, ये भी पूरी आकाश गंगा में समाहित और इसको पूरे को मिला करके कलश को माना गया है। इससे कलश में ही देवताओं का हम सब आह्वान कर सकते हैं। तो कलश में सभी देवताओं का अपनी भावना से, जिसकी जैसी भावना, क्यों भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है। इससे भाव से जैसी आप कामना करेंगे भगवान से, उस प्रकार से आपकी कामना के अनुसार, अगर मंत्रों के द्वारा या आचार्य के द्वारा आप नहीं बुला सकते हैं या नहीं करा सकते हैं या उनको व्यस्तता है, तो आप अपने आप भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। हर घर में रखना चाहिए जैसी आपकी व्यवस्था हो, क्योंकि भगवान आपके भाव और आपकी श्रद्धा के भूखे हैं। तो इस प्रकार जैसी आपकी व्यवस्था हो जाए, उस प्रकार आप अपने घर में अच्छे से कलश की स्थापना करें, नारियल रखें और उसमें सभी देवताओं का आह्वान करें कि सभी देवता आकर के हमारे घर में इस कलश में विराजमान हो, 9 दिन तक सभी देवता इसमें वास करें और जितने भी हमारे घर में रोग हैं, विकार हैं, बाधा हैं, भूत प्रेत पिशाच, वो सभी हमारे घर से दूर हों, इस घर में सुख शांति हो। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, कलयुग काल का युग है और ऐसे युग में जब हम देवताओं का स्मरण करेंगे, देवताओं, तभी निगेटिव एनर्जी या पापत्व हमारे घर से दूर होगा, रोग विकार हमारे घर से दूर होंगे। क्योंकि समय ऐसा आ गया, सनातन धर्म धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। हम लोग पूजा पाठ अन्य धर्मों में देखिए, अपने अपने धर्म के लिए इतना लड़ते फिरते हैं, इतना करते हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे, हम बता दिए केवल व्रत से हो जाएगा, केवल उपवास से हो जाएगा, तो हम लोग स्थापना भी नहीं करते अपने घर में कलश भी। तो इसलिए सभी को चाहिए, जो भी दर्शक हमारे इस टीवी माध्यम से देख रहे हैं, कि सभी लोग अपने अपने स्थापना करें घर में जैसी जिनकी व्यवस्था हो, और भगवान से प्रार्थना करें कि आकर के सभी देवता इसमें वास करें। इसके उपरांत माता जी की जो आपने तस्वीर रखी है उनकी पूजा करें। माता जी की सामने अपने पूजा रखें, गौरी गणेश अगर गोबर के बनाए हुए हैं तो उनको गोबर के, अगर नहीं गोबर के हैं तो सुपारी के गौरी गणेश बना करके कलश के समीप में स्थापित करें। और उसके उपरांत गौरी गणेश का पूजन, कलश का पूजन, फिर प्रधान पीठ माता जी का पूजन और नवग्रह का भी ध्यान अपने मन में आप लोग कर सकते हैं। अगर नवग्रह की व्यवस्था नहीं बनी है तो एक ताम्र की प्लेट आती है, उसको आप अपने घर में रख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही आप नवग्रह भगवान का अपने घर में ध्यान करके कि सभी ग्रह सभी देवता हमारे पूजा में उपस्थित हों और हम सभी के परिवार की शरीर की रक्षा करें, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। पंडित जी, अभी आपने मूर्ति स्थापना के बारे में बताया, तो भक्त किस दिशा में मूर्ति स्थापना करें कि उनको लाभ मिलेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, किस दिशा में करें, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि घर में हर एक, अधिकतर घरों में वास्तु दोष होता है। 3000 स्क्वायर फीट से अगर मकान कम है तो हम लोग उसको वास्तु के हिसाब से नहीं बना सकते हैं। 3000 स्क्वायर फीट है तब तो हम उसमें चारों तरफ से जगह स्थान छोड़ करके मकान को बनाएंगे, तभी वास्तु के हिसाब से बन पाएगा, नहीं तो उसमें वास्तु दोष कुछ न कुछ कहीं ना कहीं जैसे होना चाहिए उस प्रकार से कुछ न कुछ दोष रहता ही रहता है। अब इसमें आती बात कि किस दिशा में हम पूजा करें और हमें पूजा लाभकर नहीं होती है। कुछ लोग कहेंगे कि पूजा से हमको नुकसान हो गया या पूजा से हमको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो सबसे दिशा का विशेष महत्व है। क्योंकि पूर्व दिशा के जो स्वामी हैं, 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार ये हो गए और चारों कोण और ऊपर नीचे, ये सभी मिलाकर के 10 दिशाएं हैं, जिसमें से पूर्व दिशा के जो स्वामी ईशान कोण के हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए हमें जो भी पूजा पाठ, जब बृहस्पति की दिशा में पूजा पाठ हम बैठ करके करेंगे तो हमारी पूजा जो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत योग होता है, और जब उस दिशा की तरफ हम मुँह करके पूजा करेंगे तो हमारे ऊपर जो दृष्टियाँ पड़ेंगी देवताओं की, वो बहुत शुभ दृष्टियाँ पड़ेंगी और वो पूजा हमारी बहुत जल्दी भगवान स्वीकार करेंगे। उस पूजा से हमारे घर में बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और
उस पूजा का हमको लाभ भी शीघ्र प्राप्त होगा। इसे दिशा का विशेष ध्यान रखें, जिस दिशा की तरफ हम लोग मूर्तियाँ रखेंगे वो आपका मुख पूरब होना चाहिए और देवताओं का मुख आपकी तरफ होना चाहिए, मतलब तो देवताओं की जो दृष्टि पड़े वो आपके ऊपर पड़े। पूरब दिशा की दीवार सबसे शुभ मानी गई है। अगर लैट्रीन या बाथरूम का आपके आसपास दीवार है तो उस दीवार से सटा करके मूर्तियों को नहीं रखेंगे, उससे थोड़ा सा साइड में कमरा। आग्नेय कोण, अगर आपको ईशान्य कोण नहीं मिल पा रहा है तो पूरब दिशा की कोई भी कोण, पूरब उत्तर कोना ले सकते हैं, पूरब दक्षिण कोना ले सकते हैं, और ये पूरी पूरब की दीवार आप उसमें ले सकते हैं। अगर इस दीवार की तरफ आपको मूर्ति रखने को मिले वो सबसे शुभ माना गया है, उस दिशा की ओर आपका मुख भी पूरब की ओर हो। पूरब की ओर स्थापना करेंगे जिससे आपके पूरे घर में 9 दिन तक अमृत बरसेगा और देवताओं की शुभ दृष्टि आपके घर पे परिवार पे पड़ेगी, जिससे जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा होगा और सभी बीमारियों से समस्याओं से आपको माताजी बचाएंगी। नवरात्र में अखंड ज्योति का एक बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को इसका विशेष महत्व बताएं और इसके नियम बताएं। दीप, बहुत सुंदर प्रश्न है। दीप हमें हर अंधकार से बचाता है। दीपक ज्योति परब्रह्म दीपक ज्योति जनार्दन सर्व पाप हरो में देव दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप हर प्रकार से हमारे लिए लाभकर होता है। दीप से हमें आत्मबल मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, दीपक से हमें डर नहीं लगता है, और सभी प्रकार के जहाँ पे अंधेरा होता है अगर वहाँ पे दीप प्रज्वलित हो तो ऐसा लगता है कि देवताओं का वास वहाँ पर हो गया। और सूर्य का प्रतिबिंब है, सूर्य प्रत्यक्ष देवता है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और जब हम दीपक की स्थापना करते हैं तो सभी प्रकार के जो बाधाएं होती हैं वो दीपक से अंधकार दूर हो जाता है। इसी प्रकार हमारे जीवन से भी अंधकार दूर हो जाता है और हमें आगे उन्नति मिलती है, हमें हमारा मन प्रसन्न रहता है, और हमारा आत्मबल जो सबसे महत्वपूर्ण होता है शरीर का, वो आत्मबल आपका बढ़ता है दीपक से। इससे दीप कोई भी पूजा आप करेंगे दीप अवश्य प्रज्वलित करें, क्योंकि प्रत्यक्ष दीप ही हमारी पूजा को भगवान देवताओं तक पहुंचाता है। इसे कोई भी संकल्प लें, कोई भी पूजा करें, उसमें दीपक अवश्य स्थापित करें जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहे और आपको शीघ्र उस पूजा का लाभ मिले। पंडित जी, नवरात्र में माता को भोग लगाने का क्या महत्व है और भोग में क्या लगाना चाहिए? प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कूष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेत षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्यो महात्मना। नव दुर्गा माता जी एक ही है, दुर्गा जी में ही सारी शक्तियाँ समाहित हैं और उन्हीं से सब अलग अलग रूपों में माता जी उत्पन्न होकर के अपने अलग अलग स्वरूपों से, अलग अलग अपनी शक्तियों से लोगों को प्रभावित करती हैं। इससे माता जी के ही ये 9 रूप हैं। इनमें प्रथम शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं उनको घी का भोग लगता है। माता जी का स्वरूप बड़ा ही सुंदर है। माँ शैलपुत्री के दर्शन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, और ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि हम 9 दिन तक नित्य माता जी की आराधना करेंगे जिससे हमें पूर्ण शक्ति हमारे शरीर में समाहित हो जाएगी। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, द्वितीय दिन में माँ ब्रह्मचारिणी का हम लोग दर्शन करते हैं। ब्रह्मचारिणी माता जिनका स्वरूप ही देखने में ऐसा लगता है त्याग, और उन्होंने तपस्या कर करके, ब्रह्मचारिणी माँ तपस्या करके के भगवान को प्राप्त की थी शिव जी को। इससे वो तपस्विनी वाला उनका रूप है, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर स्वरूप है। तृतीयम चंद्रघंटे थे माँ चंद्रघंटा, जो कि जिनका बहुत दिव्य स्वरूप है, उन चंद्रघंटा माता जी को खीर का बना हुआ भोग लगाना चाहिए जिससे माँ अति प्रसन्न होते हैं। अलग अलग दिनों में अलग अलग विशेष भोग इसलिए बताए गए हैं क्योंकि आपको क्या प्रिय है, इसी तरह आपके परिवार में किसी को क्या प्रिय, इसीलिए अलग अलग देवियों के अलग अलग दिन में उन माता जी को क्या प्रिय है इसका हम लोग प्रयास करते हैं कि माता जी को जो चीज़ प्रिय है, जो वस्तु, वो उनको हम प्रदान करें।
जिससे माताजी अति प्रसन्न हों। माताजी के नौ रूपों में अलग अलग उनको वसुएँ प्रिय हैं, जैसे माँ स्कंद माता, माँ प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे, कूष्मांडे, चतुर्थकम। इस तरह अलग अलग देवियों को अलग अलग वस्तुएँ, जैसे हमको कुछ प्रिय है, आपको कुछ प्रिय है, इसी प्रकार सभी परिवार के सदस्यों को अलग अलग वस्तुएँ बहुत प्रिय होती हैं। इसी माता जी को, किन्हीं माता जी को खीर प्रिय है, दूध की बनी हुई वस्तुएँ, किन्हीं माता को शहद, और किन्हीं माता जी को तिल का बना हुआ भोग लगाना चाहिए, मालपुए का माता जी को भोग लगता है। अलग अलग देवियों में अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग उनका दर्शन करने का नित फल है। जैसे किन्हीं कन्याओं का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, वो माता जी का स्मरण करके, ब्रह्मचारिणी माता जी का स्मरण करके और माँ गौरी जी का पूजन करके उनका शीघ्र विवाह हो जाता है, कि माँ गौरी सुंदर स्वरूप के लिए माँ गौरी जानी जाती हैं। इसे माँ गौरी जी का पूजन करने से सौभाग्य की, सुंदर स्वरूप की प्राप्ति होती है। और माँ सिद्धात्री जो सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवम दिन, अष्टम दिन, आठवें दिन ही लोग माता जी का बहुत अधिकतर लोग व्रत रखते हैं, क्योंकि जो व्रत पूरा नहीं रख पाते हैं वो पहले दिन और आठवें दिन ही, अष्टम माँ गौरी के दिन माँ का पूजन करते हैं, उसी दिन हवन करते हैं। पूर्ण व्रत करने के लिए नौ दिन व्रत करना चाहिए। अगर पूरा व्रत आपको रखना है तो नौ दिन का माता जी का, नवम सिद्धात्री, उसी दिन पूजा करके माता जी का व्रत पूर्ण माना जाता है। दसवें दिन पारण होता है, जो नवमी में भी भगवान का, राम जी का व्रत भी माना गया है और उसी दिन माँ दुर्गा जी का भी पूर्णता का व्रत है, तो इसलिए नवम सिद्धात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने के लिए माँ नवमी के दिन व्रत रख के और दसवीं को पारण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। पंडित जी, अभी आपने व्रत की बात की, तो नवरात्र में व्रत रखने का क्या महत्व है और इसके नियम क्या हैं? व्रत रखने के महत्व यह है कि जब आप उपवास रहेंगे, हम पूरे वर्ष भर हम लोग खाते पीते रहते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें अपने शरीर को एक पल के लिए भी आराम नहीं देते हैं, हमारे शरीर में भी मशीनें हैं, तो इस प्रकार जब हम उपवास करते हैं तो हमारा ध्यान एक तो माता जी की तरफ लगता है, देवियों की तरफ लगता है, या जिन जिस दिन आप जैसे थर्सडे को उपवास करेंगे तो आपका ध्यान भगवान विष्णु की तरफ लगेगा। इसी प्रकार नौ दिन तक उपवास का विशेष महत्व है कि आप जब नौ दिन तक व्रत रखेंगे तो आपके शरीर में जो भी पुर्जे हैं, जो भी अंग हैं, वे सभी उनको लाभ मिलेगा, उनको आराम मिलेगा, और जितना हम वर्ष भर से खाते पीते हैं उसका भी हमको लाभ मिलता है, क्योंकि हम अधिक भोजन ही करते रहते हैं। और जब उपवास करेंगे तो निद्रा एक तो नहीं सताएगी, जब निद्रा नहीं आएगी तो आप अच्छे से जप तप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपका ध्यान भगवान की तरफ रहेगा, सात्विक रहेंगे, इससे आपके मन में विचार अच्छे उत्पन्न होंगे। इसीलिए व्रत उपवास के दिन हमको बहुत हल्का आहार लेना चाहिए। ये नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्रत उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि उनको कुछ खूब खाने को मिले बाहरी चीज़। तो पंडित जी, उपवास के समय क्या खाना चाहिए? लोग कहते हैं प्याज लहसुन या तीखा मसाला नहीं खाना चाहिए, तो क्या खाना चाहिए? व्रत उपवास में हमको बहुत ही सूक्ष्म आहार लेना चाहिए, जैसे तरोई है, लौकी है, उसको सेंधा नमक के साथ हम लोग ले सकते हैं, हल्का आहार लेना, चिकना नहीं खाना चाहिए, और प्रयास ये करना चाहिए जैसे मेवे ले सकते हैं, पंचमेवा है या कोई भी मेवा आप ले सकते हैं भोजन में, भोजन के समय, या बहुत लोग तो जल पी करके ही, लौंग खा करके अपना पूरा उपवास, पहले के समय बहुत कठिन था व्रत रखना, अब तो सभी बच्चे भी छोटे रख लेते हैं, तो उसमें हल्का आहार लें, बहुत अधिक भारी आहार ना लें। बहुत लोग बहुत चिकने की पूड़ी या इत्यादि ये सब ग्रहण करने लगते हैं तो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए व्रत में जितना हल्का आहार लें और तेल युक्त चीज़ें जितना ना खाएं उतना ही अच्छा है जी। तो नवरात्र में कन्या पूजन का क्या महत्व है और कैसे कन्या पूजन करना चाहिए कि इसका लाभ मिले? कन्या पूजन के लिए नौ वर्ष तक कन्या गौरी के रूप में माना गया है। जैसे बहुत
अधिक 9 वर्ष से अधिक बड़ी कन्याओं को खिलाने से, तो स्त्री को देने से लाभ हमारे ग्रहों में तो माना गया है, लेकिन वैसे जो कन्या का पूजन है वो 9 वर्ष तक ही बताया गया है कि कन्या में माँ का स्वरूप होता है, और वो 9 वर्ष तक जो भी कन्या कह देगी, आशीर्वाद दे देगी, तो वो साक्षात माँ देवी ही के रूप में आपको आशीर्वाद देती हैं। इससे कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए, उससे हमारा चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह ये अच्छे होते हैं, जिससे हमारे जीवन में माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम लोग सभी कार्य आसानी से कर लेते हैं जी। प्राइम टीवी के माध्यम से आप नवरात्रि के पावन अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? प्राइम टीवी के माध्यम से हम नवरात्र में सभी से, टीवी के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग सात्विक रहें। जो व्रत उपवास नहीं रख सकते हैं वो कम से कम इन दिनों में बाहरी चीज़ों का परहेज करें, बाहरी गलत चीज़ों का, नॉनवेज है, ड्रिंक है, जो लोग दारू ड्रिंक वगैरह लेते हैं उनसे विशेष निवेदन है कि इन दिनों में अपने परिवार के साथ अच्छे चर्चा करें, भगवान की चर्चा करें, क्योंकि आज हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है, और जब सनातन धर्म कमज़ोर पड़ेगा, जब हमारा राजा ही कम, जब प्रजा ही उनका स्मरण नहीं करेगी, तो राजा कैसे बलवान होंगे? इसी तरह देवताओं है, हम कहते हैं हमारा पूजा से हमको लाभ नहीं मिल पाया, तो जब हम देवताओं को स्मरण करेंगे ही नहीं, देवताओं को मानेंगे नहीं, या कम पूजा करेंगे, या बोलो निरंकारी सनातन धर्म में होते जा रहे हैं, तो जब देवता ही कमज़ोर हो जाएंगे तो कैसे सभी को लाभ मिलेगा? तो इसलिए सभी को चाहिए सनातन धर्म में कि भगवान का पूजन अपने घर में करें, जो भी सनातन धर्म से, जो भी जात पात हमारे यहाँ, देवी सभी के लिए, इससे किसी भी, हम लोग उससे नहीं कि आप इस जात के यहाँ पूजा ना करें, ऐसा हमारे सनातन धर्म में कहीं नहीं, आप भगवान के देव संतान हैं, सभी को चाहिए, सनातन धर्मियों को, सभी को, हिंदू धर्म से जितने भी जो भी जुड़े हैं या अन्य धर्मों से भी जो जुड़े हैं, वो माता जी का तो स्मरण हर एक मनुष्य को करना चाहिए, तो देवी जी का स्मरण हर एक मानव को करना चाहिए। तो इन 9 दिनों में सभी लोग जो व्रत उपवास कर सकते हैं वो अपने घर में माता जी की स्थापना करें, व्रत उपवास करें, नहीं कर सकते हैं तो गलत चीज़ों से, गलत संगत से, गलत खान पीन से बचें, जिससे आपका ये 9 दिन आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो और आगे भी आने वाला समय अच्छा हो, क्योंकि जब दैवी शक्तियों को बल मिलेगा, और बल कैसे मिलेगा, जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, इसे भक्तों से ही देवताओं को शक्तियाँ मिलती हैं, ऊपर क्या आकाश गंगा है, ऊपर कुछ भी नहीं, जो हम देवताओं को धूप दीप नैवेद्य फल यज्ञ इत्यादि से आहुति देते हैं वही देवताओं को प्राप्त होता है, नहीं तो देवता रक्तपान करने लगते हैं। इसलिए हर एक मानव को चाहिए कि भगवान का कुछ न कुछ स्मरण करें और उनको याद करें, उनको आहुति यज्ञ में आहुति दें, यज्ञ करें, व्रत करें, धूप दीप नैवेद्य, क्योंकि रस गंध स्पर्श से, जैसे जब जीव शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोग इस क्रिया को नहीं देख पाते, उसी पर हर एक पूजा में देवता उपस्थित होते हैं, आते हैं, और जो भी उनको हम श्रद्धा से अर्पित करते हैं उनको स्वीकार करते हैं और प्रसन्न होते हैं। इसे हर एक मानव को अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार नवरात्र में पूजन करना चाहिए। धन्यवाद पंडित जी तमाम जानकारियों के लिए। तो ये हमारे साथ आचार्य राम जी थे जिन्होंने नवरात्रि को लेकर तमाम जानकारियां दी। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी।